गाइस वेलकम टू आरडब्ल्यूएम बस वीकली न्यूज रैप अप शो में मैं हूं श्वेता गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाई हूं कई सारी गॉसिप और न्यूज। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ये वीक की बड़ी खबर की ओर। अमिताभ बच्चन ने गिफ्ट किया 50 करोड़ का बंगला अपनी बेटी श्वेता नंदा को। जी हाँ, श्वेता नंदा को अमिताभ बच्चन ने अपना प्रतिष्ठा वाला बंगलो गिफ्ट किया है और अमिताभ ने पहले से ही कहा था कि वो अपने बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं करते हैं और वो अपना प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्प्यूट करेंगे अपने बच्चों के बीच में, और वही उन्होंने किया है। अब बढ़ते हैं आरडब्ल्यूएम बस के एक्सक्लूसिव स्टोरी की ओर। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मि देसाई जल्दी ही नजर आने वाली है एक मूवी में, और ये मूवी का नाम है इडियट। और इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है फरीदाबाद और भोपाल में। टैलेंटेड एक्ट्रेस भाग्यश्री जल्दी ही नजर आने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एक नए वेब सीरीज में, और ये सीरीज में देवेंद्र शर्मा, मुक्ति मोहन, कुशा कपालिया जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं। वहीं भाग्यश्री ये सीरीज में अहम किरदार निभाने वाली है। अब बढ़ते हैं आरडब्ल्यूएम बस के एक्सक्लूसिव वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स की न्यू वेब सीरीज द रेलवे मैन की, जिससे काफी ही प्यार मिल रहा है ऑडियंस से। इतना ही नहीं, ये वेब सीरीज को लेकर इनके स्टारकास्ट ने हमसे खास बातचीत की। वहीं बाबिल खान से जब हमने पूछा उन्होंने अपने एक्टिंग के लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशन की, तो उन्होंने खास बात बताई। मुझे डायलेक्ट पे बहुत काम करना पड़ा था जी। और मेरी वर्कशॉप होती थी 2-3 महीने सीरीज स्टार्ट होने के पहले, मैंने वर्कशॉपिंग की थी बहुत और डायलेक्ट पे काम किया था। वहाँ गया था, भोपाल गया था, वहाँ के लोगों के साथ रहा था, बस्ती देखी थी, तो सब इंटेलेक्चुअली आप समझते हो। फिर आप जब सेट पे पहुँचते हो तो अपने आप पर कितना भरोसा कर सकते हो, अपने आप मतलब कुदरत पर कितना भरोसा कर सकते हो उस पर है, उसके जरिए ही आप अपने आप को छोड़ सकते हो। जैसा सर कह रहे थे, जो होगा होगा जी, वो उसके लिए बहुत भरोसा चाहिए कुदरत पर जी, बस उस पे ज्यादा काम करता हूँ। कई सारे इमोशंस थे ये सीरीज में हमने देखे, मैं तो सिर्फ रो ही रहा था। ये इमोशंस में आने के लिए कुछ किया था स्पेशल प्रिपरेशन? नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे लिए एक्चुअली ये बड़ी अच्छी बात हो गई मेरे लिए एज एन एक्टर, कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे लिए रोना बहुत आसान है, मैं कभी भी रो देता हूँ, मेरे लिए तो आंसू रोकना मुश्किल होता है। मेरा क्या है ना, मुझे एक्टिंग आती नहीं है सच बताऊँ तो, मेरे को सच में फील करना पड़ता है चीज़ों को, मुझे सच में उस मोमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो अगर मैं सच में महसूस कर रहा हूँ तो आंखों में झलकेगी, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो नहीं झलकेगी। काम उसको महसूस करना है बस। और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम एक्टर्स को मतलब हमारे मतलब आई डोंट थिंक ब्रीफिंग में भी कभी ऐसे था कि अच्छा मास्क है तो हमें कुछ ज्यादा इमोट करना है। आई मीन वो था कि यार आप अपने किरदार निभाओ, एंड यू नो जो सिनेमेटोग्राफर है शो के रुबाइस, उन्होंने बहुत ही बहुत बेहतरीन काम किया। बस उनके हमने हाथों में छोड़ दिया कि रुबाइस यार कैमरा मतलब आप कैप्चर उसको ऐसे करना कि आप इमोशन फील करो। इनफैक्ट हो सकता है हमको मदद ही किया हो इस सिचुएशन में मास्क का लगाना, क्योंकि ऑडियंस को रियलाइज होती है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि क्या है। तो एक्चुअली वो शायद हैंडीकैप उतना था नहीं जितना वो टूल था हमारे लिए। तो हाँ, लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन उसको रियल बनाने के लिए वो चीज ने मदद ही करी हमारी। दिस रिसर्च फॉर उस कैरेक्टर में आने के लिए आप क्या एक स्पेशल चेंज लाते हो अपने आप में? मैं स्पेशल रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरा मेरी जो पढ़ाई है वो सीमित रहती है जहाँ तक टेक्स्ट के अंदर ही रहती है, और प्लस राइटर और डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के बाद चीज़ें निकल के आ जाती हैं, बाकी मैं छोड़ देता हूँ जो होता है वहाँ पे। और जहाँ तक किरदार का सवाल है वो समझ में आ जाता है जी। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर स्क्रिप्ट के साथ रहो और राइटर से बात करो, डायरेक्टर से बात कर लो, तो आपको एक ढांचा मिल जाता है किरदार का, बस उसके बाद फिर मैं सेट पे जो होता है वो होता है। यही अच्छी बात थी कि ये एक जिस तरीके का इंसान है, थोड़ा मिस्टीरियस, पता नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा क्या है, कहाँ से आया है, हमको बस पता है कि एक्सप्रेस बैंडिट है जी। एक ऐसे इंसान का एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पे वो आया अपने फ़ायदे के लिए था, बट फंस चुका है। जैसे इंसान ज़िंदगी में बदलते हैं, शायद इसको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी अपनी लाइफ में, लाइफ को थोड़े अलग नज़रिए से देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में जैसे आया, बाकी लोगों को देखा कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, एक दूसरे की मदद करना क्या होता है, अपने आप को भुला के। पर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना था कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम करने आए हैं। तो वो जो एक दो तरफा जो चीज़ है कैरेक्टर की, वो बड़ी मज़ेदार थी। और फिर एंड में जिस तरीके से थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट होता है उसका, वो अच्छा था बहुत निभाना। जो एपिसोड 2 में हमने देखा था, जब वो भाई एक अपने भाई को उठा के लेकर आता है, वो काफी इमोशनल सीन था। आप लोगों के लिए वो सीन शॉट करना कितना मुश्किल था? जी हाँ, मतलब इमोशनल कुछ ऐसा होता है, स्पेशली इन दिस केस
दो बच्चों के बारे में बात थी तो वो और भी ज्यादा एक चीज हो जाती है। जहां तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, शायद वो खुद भी ऐसा ही रहा होगा, इन्हों रेलवे स्टेशन से पला बड़ा होगा, उसके माँ बाप का कुछ ज्यादा पता है नहीं, तो उनसे जो रिलेटेबिलिटी है उसकी वो बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग साइड देखने को मिलती है बलवंत यादव की, के अपने आप को देखता है उन बच्चों में। अब बढ़ते हैं आईडब्ल्यूएम बस के फैशन हिट्स की ओर। रिसेंटली रश्मिका मंदाना अपने मूवी एनिमल को प्रमोट करते हुए नजर आई, जहां रश्मिका ने एक ब्लैक फ्लोरल साड़ी पहनी थी जो कि उन पे काफी ही जच रहा था। जी हां, रश्मिका ने जॉर्जेट ब्लैक साड़ी पहना था विद अ फ्लोरल प्रिंट जो कि ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया। इतना ही नहीं, रश्मिका ने अपना लुक मैक रखा था और स्ट्रेट हेयर। रश्मिका ने अपने इस लुक के साथ रेड इयररिंग पहनी थी जो कि उन पे काफी ही जच रहा था। रश्मिका का ये लुक ऑडियंस को काफी ही पसंद आया है। आप हमें बताइए आपको रश्मिका का ये लुक कितना पसंद आया। अब बढ़ते हैं आईडब्ल्यूएम बस के मस्ट शो वॉच की। जी हाँ, हम आप सभी के सामने लाए हैं ये वीक के बेस्ट शो रिव्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी फरे की। मूवी फरे में नजर आ रही है सलमान खान की नीस अलीजे, जहाँ अलीजे की एक्टिंग को लेकर ऑडियंस काफी ही खुश है और उनकी एक्टिंग को काफी ही सराहा गया है। जहाँ ये मूवी में जयेश और रोनित रॉय जैसे कई बड़े सितारे भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक्टिंग को भी ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया है और ये मूवी बेस्ड है स्कूल के चिट कॉपी को लेकर और इस मूवी में कई सारे स्टडीज के मुद्दे को लेकर बात की गई है। ये मूवी आप सभी को काफी ही एंटरटेन करने वाली है। ये वीक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कई सारे न्यूज और गॉसिप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आईडब्ल्यूएम बस सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।